नमस्कार, जूम न्यूज में आपका स्वागत है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इस बार पंच और सरपंच के चुनाव में खड़े आने वाले लोगों को भी विधायक और पंचायत राज संस्थाओं के प्रधान, जिला प्रमुख जैसे चुनावों के लिए प्रचार का मौका मिल सकेगा। राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं में पंच एवं सरपंच के चुनाव जनवरी माह में 3 चरणों में होंगे। पहले चरण का चुनाव 17 जनवरी को होगा, दूसरे चरण का 22 जनवरी को और तीसरा 29 जनवरी को। हम आपको बताने जा रहे हैं कि तीनों चरणों की महत्वपूर्ण तिथियां क्या रहेगी। पहले चरण का चुनाव 17 जनवरी को होने जा रहा है, इसके लिए 7 जनवरी को लोक सूचना जारी की जाएगी। 8 जनवरी को सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक सरपंच का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति अपने ग्राम पंचायत के निर्धारित आरक्षण के तहत सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक नाम निर्देशित प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके अगले दिन यानी कि 9 जनवरी गुरुवार को सुबह 10:30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और जिनके नाम निर्देशन अवैध पाए जाएंगे उन्हें चुनाव लड़ने से खारिज किया जाएगा। 9 जनवरी को ही नाम वापसी का समय पूरा होने के बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा और चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद करीब 1 सप्ताह का समय प्रत्याशियों के पास, सरपंच और वार्ड पंच के पास भी रहेगा कि वो अपना चुनाव प्रचार कर सकें। 16 जनवरी को मतदान दलों की पहुंच होगी और 17 जनवरी को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदान संपन्न किया जाएगा। मतगणना 17 जनवरी को ही मतदान समाप्ति के तुरंत बाद होगी। उप सरपंच का चुनाव उसके अगले दिन 18 जनवरी को होगा। दूसरे चरण के लिए आचार संहिता अर्थात लोक सूचना 11 जनवरी को जारी की जाएगी। इसके 2 दिन बाद 13 जनवरी सोमवार को सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अगले दिन मंगलवार 14 जनवरी को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। अपराह्न 3:00 बजे तक नाम वापसी का समय रहेगा और उसके बाद यानी कि नाम वापसी के समय समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा और सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। 21 जनवरी को दूसरे चरण के लिए मतदान दल पहुंचेंगे और 22 जनवरी को दूसरे चरण का चुनाव संपन्न होगा। समय सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का पहले चरण की तरह ही यथावत रहेगा और उसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी। 23 जनवरी को उप सरपंच के लिए चुनाव होगा। तीसरे और अंतिम चरण में 18 जनवरी को लोक सूचना प्रकाशित की जाएगी। 20 जनवरी सोमवार को सुबह 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। 21 जनवरी मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। उसके बाद दोपहर 3:00 बजे तक नाम वापसी की जाएगी। मंगलवार को ही 21 जनवरी को मध्याह्न 3:00 बजे बाद नाम वापसी का समय पूरा होने के पश्चात चुनाव प्रतीकों का यानी सिंबल्स का आवंटन किया जाएगा और अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 28 जनवरी को मतदान दलों की पहुंच होगी और 29 जनवरी को सुबह 8:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक पहले और दूसरे चरण की तर्ज पर ही चुनाव संपन्न होंगे। 29 जनवरी को ही मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात मतगणना की जाएगी और विजेता सरपंच और पंच की घोषणा की जाएगी। उसके अगले दिन 30 जनवरी गुरुवार को उप सरपंच के लिए चुनाव होगा।